हे वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन में आपका सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम आज जाने केमिस्ट्री क्लास 10 की रासायनिक समीकरण को लिखना। उससे पहले हम अभी जान ले कि पहले हम बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इससे पहले वीडियो में बताए थे, लेकिन हम उसी के थ्रू में जानेंगे कि सबसे पहले अभिकारक क्या होता है, रिएक्टेंट। पता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, यानी कह रहा है कि जो भी हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं उसमें जो भी पदार्थ भाग लेता है उसी को हम कहते हैं अभिकारक। जैसे कि दिया हुआ कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, ये हमारे रासायनिक समीकरण में भाग लिया हुआ, इसी को हम कहते हैं अभिकारक। अब आगे चलता है कि प्रतिफल या उत्पाद क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। जैसे कि फिर से एक बार समीकरण को देखते हैं कि जिंक प्लस H2SO4 बना हमारा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बना, तो ये अभिकारक जो अभिक्रिया भाग लिया हुआ है इसके फलस्वरूप हमारा जो भी बना है नए पदार्थ उसको हम कहते हैं प्रतिफल कहते हैं। चलिए अब देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। करें कि जब शब्द समीकरण में शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र यानी पदार्थों के प्रतीक या सूत्रों का उपयोग किया जाता है तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि जिंक प्लस H2SO4 से बना है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये तो हमारा सूत्र की समीकरण हो गया। अब कह रहे हैं कि हमारा शब्द कैसे लिखते हैं, जैसे कि जिंक का आप जिंक लिख दिया और प्लस H2SO4 का नाम होता है पूरा सल्फ्यूरिक अम्ल, जैसे कि जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये हमारा शब्द समीकरण है और ये सूत्र समीकरण है, तो इसी को हम रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। जब सूत्रों के प्रतीकों के द्वारा लिख दिया जाए तब ये हमारा शब्द समीकरण नहीं बनता है बल्कि ये एक रासायनिक समीकरण होता है। अब इसी रासायनिक समीकरण को अगर हम शब्दों में लिख दें तब ये हमारा शब्द समीकरण बनता है। अब जानते हैं कि रासायनिक समीकरण को हम दो तरह से लिखते हैं, पहला होता है शब्द समीकरण, दूसरा होता है सूत्र समीकरण। ध्यान दीजिए लोग कि हमको रासायनिक समीकरण को लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले कहता है कि कोई भी रासायनिक समीकरण में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे हमेशा हमेशा LHS यानी बाई ओर लिखा जाता है, यानी हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं इसको। और कह रहा है कि दूसरी बार कि जो कि और अभिकारक के फलस्वरूप जो भी नया पदार्थ बनता है उसे हमेशा RHS यानी दाईं ओर लिखा जाता है। अब कह रहा है कि LHS और RHS के बीच यानी दाईं ओर और बाईं ओर के बीच एक तीर का निशान दिया जाता है जो कि ऐसे रहता है। अब कह रहा है कि अगर दो अभिकारक या दो प्रतिफल हो तो इनके बीच यानी एक प्लस का चिन्ह दिया जाता है यानी जोड़ का चिन्ह दिया जाता है। जैसे कि समीकरण लिखते हैं हम, देखिए जिंक प्लस H2SO4 ये रहा तीर का चिन्ह जो कि हमको ये संकेत देता है कि हमको इसे नया पदार्थ बन रहा है, जैसे कि बन गया हमारा जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस, तो ये दोनों प्रतिफल है, तो दो प्रतिफल हो गया तो भी प्लस का चिन्ह है, अगर दो अभिकारक है तो भी एक प्लस का चिन्ह है। इस तरह से हम रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं।